पीएम नरेंद्र मोदी ने ली वैक्सीन की पहली डोज, लगा भी दी, पता भी नहीं चला, पीएम मोदी। गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, ट्रक से 20 गौवंश किए गए बरामद। लगातार हैवानियत की शिकार हो रही बेटियां, पुलिस को अंगूठा दिखा रहे क्रिमिनल। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। दरअसल जिस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा था और विपक्ष इसकी क्षमता पर सवाल उठा रहा था, पीएम ने भारत बायोटेक कंपनी की वही कोरोना वैक्सीन अपने लिए चुनी है और दिल्ली के एम्स में आज वैक्सीन का पहला डोज ले लिया। पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लेने की इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद देशवासियों के बीच भरोसा जगा है और वैक्सीन पर छिड़ी तमाम सियासत को एक झटके में खत्म कर दिया। ये तस्वीरें साफ संदेश दे रही हैं कि देश में इस्तेमाल की जा रही कोरोना वैक्सीन 100% सुरक्षित और असरदार है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महिला अस्पताल के सामने सालों पहले हुए अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन कामयाब हुआ। निर्माणाधीन महिला अस्पताल हरैया के सामने हुए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने आखिरकार बुलडोजर चला ही दिया। इस दौरान 14 अवैध दुकानों पर बुलडोजर लगाकर गिराने का काम शुरू किया गया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में ग्राम पुलगहना में सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि भदई अहिरवार के यहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में कमांडो की तर्ज पर झांसी पुलिस ने स्पेशल क्यूआरटी टीम का गठन किया है। इस टीम में 19 जवान हैं, जिसका चयन स्क्रीन के आधार पर किया गया है। कानूनी व्यवस्था की जुड़ी किसी भी अप्रिय स्थिति या संगीन घटनाओं से निपटने में पूरी तरह सक्षम होगी। इतना ही नहीं, इन्हें घातक हथियारों के साथ आधुनिक सुविधाएं से लैस किया गया है। इस टीम को पुलिस के अनुभवी अफसरों की निगरानी में तैयार किया गया है। क्यूआरटी टीम में जवानों को अलर्ट रहने की ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि इसकी वर्दी अलग ढंग से तैयार की गई है। इस टीम को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदार सीओ मौरानी पुरसोनकर और थाना प्रभारी आरच को भी दी गई है। किसी भी तरह की आतंकित गतिविधियों की बात हो, उग्रवादी गतिविधियों की बात हो या अति गंभीर शांति व्यवस्था से जुड़ी समस्या होने पर इस टीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बिलग्राम आदर्श नगर पालिका परिषद का हाल बद से बदतर नजर आ रहा है। दरअसल इस नगर पालिका में स्वच्छता मिशन की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। मोहल्लेवासियों का कहना है कि गंदगी के बीच हम लोग किसी तरीके से अपना समय काट रहे हैं। मौसम बदल रहा है और तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पालिका प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ले रहा है। मोहल्ले में इस प्रकार की गंदगी है जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं। आजकल जो बिलग्राम में जो गंदगी फैली है और मच्छर अधिक हो गए हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नगर में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे नगर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लॉकडाउन के बाद कोई भी सफाई नगर में नहीं कराई गई, ना कोई छिड़काव किया गया। हम लोग जो हैं मच्छरों से बहुत त्रस्त हैं। चाहे वो ख्वाजा पीर साहब का मोहल्ला हो, चाहे कंजलपुर का मोहल्ला हो, चाहे मोहल्ला बदरिया हो, चाहे मोहल्ला मलकट हो, हर जगह पर जो है पूरा गोबर का अंबार लगा हुआ है। पालिका के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। आजकल जो बिलग्राम में उत्तर प्रदेश के हरदोई में नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मी पिछले एक महीने से लगातार पालिका नीतियों का विरोध कर अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसके चलते पालिका प्रशासन उनके आगे नतमस्तक हो गया और उनकी मांगों को संज्ञान में लेकर हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा ने अपने आवास पर ठेका कर्मचारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निस्तारण कर दिया, जिसे ठेका सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने पालिका अध्यक्ष का आभार जताया और हमेशा उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का आश्वासन दिया है। स्थायी समिति ठेका सफाई कर्मचारी संघ और नगर पालिकाओं में कई वर्षों से समस्याएं लंबित, उन्हीं समस्याओं को लेकर पिछले एक महीने से नगर पालिका प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे थे। प्रशासन आज अंत समय पर जागा है और बुलाए हैं वार्ता के लिए। जैसे जो स्थितियाँ बनेंगी वो हम आप सभी को अवगत कराएंगे। क्या सुनना है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार और पश्चिम स्थायी समिति ठेका सफाई कर्मचारी संघ।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अंतर जनपदीय गौ तस्करों और पुलिस के बीच आमने सामने की मुठभेड़ में एक तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गौ तस्करों के साथ रहा पासर मौके से भाग निकला। हालांकि पासर की गाड़ी को चरवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें से 20 गौवंश बरामद किए गए हैं। फिलहाल घायल तस्कर का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। थाना कोकरा क्षेत्र में हाईवे के पास एक ट्रक जा रही थी, जिसमें वो वंश लदे हुए थे। उसको देख के पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उससे जो ड्राइवर खलासी से उतर के भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो उसको उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर किया, उसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने जब फायर किया उसमें एक अपराधी घायल है, पकड़ा गया है। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बताई जा रही है, वो भागी हुई है, उसकी चेकिंग कराई जा रही है। देखा जाता है कि उसको क्या मिलता है, अगर मिल जाती है तो उसकी कार्रवाई की। थाना कोकरा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हाईवे 0 पॉइंट पर एक्सीडेंट के बाद ट्रक की डीजल की टंकी फट जाने से रोड पर डीजल इकट्ठा हो गया। डीजल इकट्ठा देखकर राहगीरों ने डीजल को इस तरह से भरना शुरू कर दिया कि हादसे में कौन घायल हुआ ये किसी को पता ही नहीं रहा। डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी देखते हुए राहगीरों ने अपने अपने पास से कैन और पानी की बोतल लेकर डीजल को भरना शुरू कर दिया। एक शख्स ने तो डीजल इकट्ठा करने के लिए झाड़ू बनाकर डीजल को इकट्ठा करने लगा और पानी की बोतल में डीजल भरकर अपने घर ले गया। जानकारी के मुताबिक डीजल पेट्रोल की किल्लत की वजह से रोड पर पड़े डीजल को राहगीरों ने भरकर अपने काम के लिए रख लिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामपुर हाईवे 0 पॉइंट पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि इस हादसे में दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे की वजह से हाईवे 0 पॉइंट पर दोनों साइटों में जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद तीनों गाड़ियों को मौके से हटाया और दोनों साइटों पर लगे जाम को पुलिस और टोल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद खुलवाया। जानकारी के मुताबिक 0 पॉइंट पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है और ऐसे हादसे इतना ही नहीं बल्कि कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सभी क्षेत्रवासियों का कहना है कि 0 पॉइंट पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। 0 पॉइंट पर ओवरब्रिज बनने से हादसे भी कम हो जाएंगे और जाम लगना भी बंद हो जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर क्या हादसा हुआ है, यहाँ पर कितनी गाड़ी आपस में टकराई है? मनोज कुमार नेशनल हाईवे से असिस्टेंट रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर जी। सर हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली और हम पागड़े साइड से पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे। जैसे ही हमें तुरंत सूचना मिली वैसे ही हम फास्ट स्पॉट पर पहुंचे। हमने देखा एक टाटा ट्रेलर वाले ने एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में दो गाड़ियों को हिट कर दिया, मल्टीपाइलअप एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि जिस ट्रक से हिट हुआ था उसी गाड़ी के ड्राइवर को नॉर्मल सी चोट लगी है, बाकी सब कुछ ठीक है। उस ड्राइवर को तुरंत ही वहाँ से प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर पुलिस कितनी देर में आई, आप लोग कितनी देर पहुँचे यहाँ पर? सर पुलिस भी आ गई थी, लगभग 5 मिनट में पुलिस आ गई थी और पुलिस के आने के उपरांत ही तुरंत ही उसके बाद हम पहुँच गए वहाँ पर। सर हादसे को तो लगभग हो गया 20-25 मिनट हो गए इसको। सर ये 0 पॉइंट पड़ता है, नज़दीक में कट्टे गाँव है। मेरा नाम सर रविंदर सिंह है। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं नूरपुर से बैठा था सर इनके साथ। जी क्या हादसा हुआ यहाँ पर? मैं राजा का ताजपुर का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर। तो ड्राइवर साहब सो गए थे, क्या हुआ? नहीं नहीं सोए नहीं थे सर, बहुत ब्रेक मारे इन्होंने और मतलब गाड़ी मतलब कंट्रोल करते करते टकरा गई। कितनी गाड़ी? 3। हाँ कितनी गाड़ी टकराई है यहाँ पर? बस यहाँ पे 1x1 टकराई। ठीक है, चोट लगी किसी के? नहीं सर बस इनको लगी, ड्राइवर को। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एलएस कॉलेज की छात्रा और कार थाना क्षेत्र का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और हैवानियत की खबर सामने आ गई है। इस जिले के दरिंदे 14 साल से 4 साल तक की बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। तिलहर थाना क्षेत्र के बरहा मोहब्बतपुर गांव में दिन दहाड़े दबंग धमनपुर गाँव के नरेंद्र अंकित ने एक 9 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। बच्चे के माता पिता ने बताया कि वह गंगा में स्नान करने बाहर गए हुए थे, घर पर उनकी 9 वर्षीय बेटी और बुआ थी। इसी बीच पड़ोस के धमनपुर गांव के अंकित सिंह ने घर में घुसकर पुत्री को बुरी नीयत से दबोचकर बलात्कार करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। इस मामले में तिलहर थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फुटबॉल का लड़का था, उसने मतलब हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की 9 साल की रिंकी देवी उसका नाम था, जो हमें लड़की है, मतलब आटा लेने आया दुकान है मेरे आटा की,
और इसने मतलब आटा ले लिया, फिर उसने हाथ पकड़ लिया और मतलब उसको बहुत काम किया था। ये कार्रवाई का इसको दंड मिलना चाहिए। इसने धमकी दी कि अब तू लड़की तू पढ़न आएगी तो तुझे जान से मार डालेंगे। जब वो लड़की बेहोश हो गई तो इधर से जब मेरे गांव वाले ने सुनी तो फिर आए तो उसने उस मोटरसाइकिल लेकर वो भाग गया। आए तो उन्होंने पूरी बात पूछी, कहीं देखो आपके घर पे कौन कौन हो, तो कहीं हमने तो मेरा मम्मी पापा बहन के आएंगे, देखो गंगा जी को क्या, फिर मेरा हाथ पकड़ी देखो भीतर खींचो आए, और फिर बाद में यहाँ गए कहीं पूरी देर चटोई डाली मेरी फुटबॉल। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।